हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजू कुमार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ दून सिविल एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ में इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद यूनिट डिजिट की किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए, जब भी यूनिट डिजिट की हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पे नंबर वन में यदि जीरो के पावर एन हो, वन के पावर एन हो, फाइव के पावर एन हो, सिक्स के पावर एन हो, जहां वेयर एन इक्वल टू ये वन टू थ्री फोर एंड सो। तो इस कंडीशन में यहां पे यूनिट डिजिट की बात करें, यानी कि इकाई अंक की बात करें, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की हम बात करें, इकाई अंक, तो इसमें इस केस में ऑलवेज क्या रहेगा, यूनिट डिजिट जीरो। यानी जीरो के पावर हम वन पुट करें, टू पुट करें, थ्री पुट करें, फाइव पुट करें, चाहे अब जीरो के पावर हम कुछ भी पुट करें, क्या रहेगा, जीरो। वन के केस में भी, वन के केस में भी ये एज इट इज क्या रहेगा, वन ही रहेगा। फाइव के केस में क्या रहेगा, यूनिट डिजिट, तो एज इट इज ये फाइव ही रहेगा। फाइव के पावर वन करें, फाइव के पावर टू करें, फाइव के पावर थ्री करें, ये एज इट इज फाइव ही रहेगा। ऐसे ही ये सिक्स के पावर एन, यानी कि सिक्स के पावर में यदि हम वन पुट करें या टू पुट करें या थ्री पुट करें, एज इट इज ये यूनिट डिजिट की बात करें हम, तो सिक्स ही रहेगा। तो केवल जीरो, वन, फाइव, सिक्स के केस में यूनिट डिजिट की बात करें तो जीरो के केस में जीरो, वन के केस में वन, फाइव के केस में फाइव, सिक्स के केस में सिक्स होगा। अच्छा, इसी में सपोज मान लीजिए, ऐसे यदि हम एग्जांपल ले लें कि सपोज टू थ्री फोर और ये जीरो, और इसके पावर में हम चाहे कुछ भी पुट करते हैं, सपोज मान लेते हैं ट्रिपल वन। तो हम देख रहे हैं, आपको क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट इसका देखना है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। अब इससे पहले जो भी डिजिट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम देख रहे हैं क्या है, जीरो के पावर में हम इसको कंसीडर करेंगे ट्रिपल वन। यानी कि अभी हमने देखा था जीरो के पावर में कुछ भी हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। तो इस केस में इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या रहेगा, यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा। आई होप सबको क्लियर होगा। ऐसे ही अगला हम बात करें, अगले क्वेश्चन की, तो ऐसे ही वन की बात करें तो वन के केस में भी यहां देखना, यदि सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैं यहां पे लिखूं थ्री फोर फाइव और ये वन, इसके पावर में यदि हम पुट कर दें सपोज थर्टी फोर, तो अब हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम इस पूरे थ्री फोर फाइव वन जो नंबर है इसमें हम देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे क्या है, तो यूनिट प्लेस पे हम देख रहे हैं कि वन। इससे पहले जो भी डिजिट है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे 1 के पावर 34, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे हम, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 1। तो आई होप ऐसे ही हम 5 के केस में भी, 6 के केस में, आई होप ये सबको क्लियर। अच्छा, 0 1 5 6 के अलावा अब चाहे जो भी डिजिट है यदि उसके पावर में कोई वैल्यू दी गई है तो उस केस में यूनिट डिजिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देखिए इसमें यदि 0 1 5 6 के अलावा, यानी कि एक्सेप्ट 0 1 5 और 6, इसके अलावा एनी नंबर हो, एनी नंबर, और इसके होल पावर में ये एन हो, तो इस केस में आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऑलवेज 4 से, ये जो n रहेगा, n की वैल्यू जो भी होगी इसको ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। और 4 की हम बात करें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, किसी भी नंबर का लास्ट टू डिजिट 00 हो या 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर जो होता है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहां पे देखिए, इसको ऑलवेज आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। और 4 से डिवाइड करने के बाद ये जो भी रिमाइंडर आएगा, यहां पे 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा, यानी कि जो भी आपका शेषफल आएगा, उस शेषफल में यहां देखिए, यदि
शेषफल अब 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम जो है वो रिमाइंडर क्या आ सकता है 3 आ सकता है। यानी कि कौन कौन सा पॉसिबल है नंबर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 एंड 3। तो 0 1 2 एंड 3 यही रिमाइंडर आएगा। तो अब जो भी रिमाइंडर आएगा ये जो नंबर है इस यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहां पे यूनिट डिजिट के लिए हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट के लिए ये जो भी नंबर है ये इस नंबर के यानी इस संख्या के पावर में हम क्या करेंगे एज इट इज जब भी जीरो आ जाए तो हम ऑलवेज 4 पुट करेंगे। तब भी यहां n जो भी नंबर होगा 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन में ऑलवेज यहां जो भी नंबर होगा हम इस नंबर की बात कर रहे हैं ये जो भी नंबर होगा इस नंबर के पावर में ऑलवेज 4 पुट करना है। यदि रिमाइंडर 1 आ जाए तो इस नंबर के पावर में क्या पुट करना है 1 पुट करना है। रिमाइंडर 2 आ जाए तो नंबर के पावर में क्या पुट करना है 2 पुट करना है। और यदि रिमाइंडर 3 आ जाए तो नंबर जो भी है उसके पावर में क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। यानी एक्सेप्ट 0 1 5 6 जो भी नंबर यहां पे होगा उस नंबर को हम रिमाइंडर 0 होगा तो ऑलवेज 4 पुट करेंगे, रिमाइंडर 1 होगा तो ऑलवेज 1 पुट करेंगे, रिमाइंडर 2 होगा तो उस नंबर के पावर में ऑलवेज 2 पुट करेंगे और रिमाइंडर 3 होगा तो उस नंबर के पावर में ऑलवेज 3 पुट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन जो पावर में होगा इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं इसमें एग्जांपल की हम बात करें एग्जांपल के लिए तो यहां देखिए सपोज मान लीजिए कि हमने कहा एक्सेप्ट दिस नंबर एक्सेप्ट 0156 यानी कि हमने ले लिया 2 हमने यहां पे ले लिया 2। अब ये 2 के पावर में सपोज मान लीजिए कि हमने ले लिया यहां पे 48। अब ये देखना अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले इस पावर को ऑलवेज किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा तो इसे 4 से डिवाइड किया तो हमें यहां कंफर्म है कि जो रिमाइंडर है हमारा वो रिमाइंडर आएगा 4 से करेंगे तो 1 टाइम्स में और ये 12 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल आउट यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। रिमाइंडर 0 यानी कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस 2 के पावर में ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऑलवेज अभी हमने बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या पुट करना है 4 पुट करना है। तो जस्ट यहां पे हम क्या पुट करेंगे 4 2 के पावर 4 का मतलब क्या होगा 16 और 16 का मतलब यहां यूनिट डिजिट की हम बात करें यानी इकाई अंक की बात करें तो हम क्या बोलेंगे इकाई अंक 6। आई होप सबको क्लियर है सबको। अच्छा अगला एक और एग्जांपल लेते हैं देखिए यदि सपोज मान लीजिए कि हम यहां पे लेते 3 5 9 और ये 2। अब यहां पे यदि सपोज इसके पावर में 4 4 4 तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन में यदि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते इसमें सबसे पहले ये जो भी पावर है ये 444 इसको हम ऑलवेज 4 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है। इससे पहले जो भी नंबर होता है उससे हमें कोई लेने देना नहीं होता यानी कि हम 2 के पावर में ये कंसीडर करेंगे 2 के पावर 444 तो ऑलवेज पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद यहां रिमाइंडर कितना होगा तो रिमाइंडर यानी शेषफल की हम बात करें तो शेषफल क्या होगा 0। वापस फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। अच्छा देखिए चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से ऑलवेज हमें 0 1 5 6 के अलावा जो भी नंबर है उसके पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करना है तो हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो हम क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि क्या रिमाइंडर होगा। तो लास्ट 2 डिजिट को करेंगे ऑलरेडी दिख रहा है रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब अब इसका इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट चाहिए तो हम क्या कंसीडर करेंगे केवल 2 के पावर में रिमाइंडर 0 का मतलब ऑलवेज पुट करना है क्या 4। 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 16 की बात करें तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। तो आई होप सबको क्लियर होगा यदि किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलो अगला देख लेते हैं हम इसमें और दो तीन एग्जांपल उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब सपोज मान लीजिए ऐसे ही
थ्री सेवन और ये थ्री, इसके पावर में हम ले लेते हैं वन टू थ्री। अब इस कंडीशन में इसका यूनिट डिजिट निकालना होगा इस एग्जांपल में, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इस नंबर में हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है तो थ्री है, यानी कि हम इसे कंसीडर करेंगे थ्री के पावर 123, यानी इस थ्री से पहले जो भी नंबर है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कंसीडर करेंगे थ्री के पावर 123। तो ये जो नंबर है 30156 के अलावा नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसके पावर को, हम इसके पावर को ऑलवेज 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये 3 डिजिट का है, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका यहां पे 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब ये जो रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 के पावर में इस एज इट इज रिमाइंडर को पुट कर देंगे ये 3। तो 3 के पावर 3 का मतलब हुआ 3 × 3 × 3, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 9 × 3 27 का मतलब यहां पे यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक जो होगा वो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए 5 7 8, इसके पावर में ले लेते हैं 3 3 3। अब देखने यहां पे ये जो नंबर है इसमें हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, यानी कि इस 8 से पहले जो भी अब नंबर है इससे हमें कोई लेने देना नहीं है, हम क्या करेंगे, अब ये जो 8 है वो 0156 के अलावा नंबर है, तो इसके पावर को किससे डिवाइड करना होता है 4 से, तो इसके पावर को हम करेंगे ये 4 से डिवाइड। अब 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, तो ये देखिए 3 डिजिट का है, लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्लियर है सबको, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 है यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 8 के पावर में ये एज इट इज 1 को क्या करेंगे पुट कर देंगे, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8, इसका इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। आई होप सबको क्लियर होगा, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो यदि सिंपल ऐसे पावर में नहीं हो, सिंपल ऐसे हम देखें इस क्वेश्चन में तो बोला क्या है, इन दिस मल्टीप्लिकेशन फाइंड यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना होगा, तो हमें क्या करना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो हम क्या करेंगे उसमें उसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर होगा उस नंबर को केवल हमें मल्टीप्लाई, यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 8, इसके यूनिट प्लेस पे 4, इसके यूनिट प्लेस पे 3, यानी इकाई स्थान पे इसमें क्या है 2 8 4 और 3। तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम केवल क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है बस उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 2 × 2 × 8 16 का क्या लेंगे 6, 16 का 6 इन दोनों को किया। अब 4 से करेंगे तो 6 × 4 ये हो जाएगा कितना हमारा 24, 24 का क्या कंसीडर करना है 4 इंटू में, अब कौन सा तो ये 3 बचा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा 12, और 12 का मतलब यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे हम, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा इसका 2। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल क्लियर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये राइट होगा। आई होप सबको क्लियर होगा क्या करना है इस क्वेश्चन में, केवल यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 2 8 4 और 3 इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो क्या होगा उस इस नंबर का इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट। क्लियर है सबको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट 6 है, तो आपको बताना है कि इस ये
जो स्टार यहां पे है, ये जो स्टार है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी यहां यूनिट प्लेस पे है, जो भी यहां यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 8 2 2, और इसके बाद स्टार पे बताना है कि इस स्टार पे यहां पे इस जगह पे स्टार की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले हमें पता है ऑलरेडी इस मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो हमने मल्टीप्लाई किया 8 × 2 16 16 का 6 6 × 2 12 12 का 2। अब 2 जो है, अब किससे यहां पे मल्टीप्लाई करें कि ये यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहां पे, यदि हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 3 जो होगा स्टार की जगह पे ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, तो बोला गया है व्हाट विल बी यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। ध्यान से देखना, ऑल ऑड प्राइम नंबर, यहां पे ऑल ऑड प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक बताना है क्या। तो सबसे पहले यहां पे बात करें यहां कि ऑड और प्राइम नंबर, तो ऑड की बात करें हम तो यहां पे 1 ऑड है, बट प्राइम की बात करें तो ये प्राइम नहीं है। तो पहला ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो ये आपका आ जाएगा कौन सा 3, जो कि ऑड भी है और प्राइम भी है। ऐसे यहां पे 3 के बाद 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो अब बोला गया है सारे ऑड प्राइम नंबर यानी कि सारे विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताना है। तो अब ये देखिए, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देख रहे हैं ना 5 आ गया, तो 5 × 3 15 यूनिट डिजिट 5, 5 × 7 35 यूनिट डिजिट 5, 5 × 1 5, 5 × 3 15 15 का 5, यानी कि अब इसके आगे जो भी नंबर होगा यहां से इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक ऑलवेज क्या आने वाला है 5। तो इस केस में ऑलवेज इकाई अंक क्या होगा 5 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। तो करते हैं अगला क्वेश्चन यहां पे, इस क्वेश्चन की हम बात करें इसमें, तो देखिए क्वेश्चन बोला गया है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज n + 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यानी कि इस गुणनफल में इकाई अंक ऑलरेडी ये गिवन है, क्या दिया गया है इकाई अंक, तो इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बोला गया है n + 2 है। तो आप इसका बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। तो यहां देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी सिंपल नंबर गिवन हो यानी पावर में नहीं दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे 3 का 6 में मल्टीप्लाई और वापस फिर कहां पे ये 43 n में करेंगे, यानी कि 3 6 18 18 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8। अब ये क्या लिख लेंगे 8 × 43 n इक्वल टू, इसका यूनिट डिजिट क्या बोला गया है n प्लस 2, ये बोला गया है कि ये यूनिट डिजिट है, यानी कि अब n की वैल्यू क्या होगी। तो बाई ऑप्शन आप जा सकते हैं यहां पे एक एक करके पुट करके देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यानी n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो इसके जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो यहां पे इक्वल होना चाहिए, तो इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां देखिए सपोज मान लीजिए यहां पे हम 8 पुट करते हैं, यहां से 8 पुट करेंगे, 8 × 8 क्या हो जाएगा 64, और 64 का मतलब यहां पे यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। तो ये 4 अब n की वैल्यू क्या, हमने 8 लिया है तो ये 8 पुट करने के बाद ये इक्वल आना चाहिए था ना, 4 इक्वल टू अब ये 10 है क्या, नहीं ना, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यदि आप देख रहे हैं 6 पुट कर दें यहां n की वैल्यू को, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये देखिए n की जगह अब 6 पुट कर दें यानी 8 × अब ये 43 और n की वैल्यू यहां पे हम पुट करें क्या 6, 6 का मतलब 8 × 6 और इक्वल टू ये n की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 6 + 2।
तो यहां देखिए 8 × 6 48, और 48 का यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8, और ये 8 बराबर 6 प्लस 2 8 हो रहा है ना, यानी n की वैल्यू यहां कंफर्म है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये हमारा क्या आ रहा है यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या है, तो ये 8 बराबर 8 यानी n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू यहां से कंफर्म है कि 6 होगी, यानी ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप सबको ये क्लियर होगा। अब इसमें अभी हमने समझाया था, इसमें यदि हम यूनिट डिजिट की बात करें, यानी यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट दिस, आपको इसमें इकाई अंक बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखें ये 7 के पावर 71 है, अभी हमने बताया था कॉन्सेप्ट इसका, तो 0, 1, 5, 6 के अलावा जो भी नंबर हो उसके पावर को हम क्या करते हैं, जैसे 71, 63 और यहाँ 65, क्या करेंगे पावर को, ऑलवेज 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 7 के पावर 71 यहां से 71 को, यानी कि 7 के पावर, ये जो 71 है इसको डिवाइड किया किससे, 4 से, इनटू में 6 के पावर, ये जो 63 है इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, ऐसे ही यहाँ पे 3 के पावर 65 है इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, क्लियर है इतनी बात। तो अब इसमें देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम्स में, 7 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 71 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 1 टाइम्स में और ये 3, 1, ये हो जाएगा कितने, 7 टाइम्स में 28, यानी कि हो गया रिमाइंडर 3। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे जो रिमाइंडर आएगा एज इट इज पुट करते हैं, केवल 0 रिमाइंडर आ जाए तो पावर में क्या पुट करते हैं, 4, तो 7 का पावर 3, इनटू में यहां पे क्या करेंगे 6 के पावर में 63 को, 63 को यहां 4 से आप पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 टाइम्स में 4, 2, 3, यानी ये 5 टाइम्स में 20 है, रिमाइंडर क्या आ गया 3, रिमाइंडर 3 का मतलब यहां 3 पुट करेंगे, इनटू में यहां 3 के पावर 65 है, 65 को यहां पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में ये 2 और ये हो जाएगा 6 टाइम्स में 24, यानी कि ये रिमाइंडर क्या आ गया 1। आई होप सबको क्लियर होगा। तो अब यहां पे 7 के पावर 3, यानी कि 7 को 3 टाइम्स यहां समझिएगा, 7 को ये 3 टाइम्स ऐसे लिख लेंगे, तो अब इसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट यूनिट प्लेस पे जो है उसको 7, 7, 7, 7 = 49, 49 का क्या लेंगे 9, 9 × 7 = 63, 63 का क्या लेंगे 3। तो जस्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम ये जस्ट 7 के पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, यहां 6 के पावर 3 यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 6, 6, 6 यहां पे 6 × 6 × 6 यानी कि 6, 6 = 36, क्लियर ना, और 6 में 6 से करेंगे वापस यानी कि 36, तो ऑलवेज हमें पता है, अभी हमने बताया था कि 0, 1, 5, 6 के पावर में कुछ भी हो ऑलवेज क्या रहता है, तो यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, 6 के पावर में आप कुछ भी यहाँ पुट करें क्या रहेगा यूनिट डिजिट 6, 5 के पावर में करते तो 5, 1 के पावर में 1, 0 के पावर में 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा 6, इनटू में यहाँ 3 की बात करें तो ये एज इट इज 3, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 3, 6 = 18, यूनिट डिजिट 8, 8, 3 = 24, 24 का 4, यानी कि यहां यूनिट डिजिट इस पूरे नंबर की हम बात करें यानी इकाई अंक क्या होगा, तो ये आ जाएगा 4, 3, 6 = 18, 8, 8, 3 = 24, यानी कि 4, यानी ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में भी जस्ट हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमने नंबर देखा, तो जस्ट ये देखिए यहां हमें यूनिट प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है 0, यहां 1, यहां 2 और ये 3, यानी कि इससे पहले अब जो भी नंबर है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे पहले जो भी नंबर है इससे हमें कोई लेने देना नहीं है,
जीरो के पावर में अब कंसीडर करेंगे टू, ऑलवेज क्या रहेगा यूनिट डिजिट जीरो। वन के यहां पे वन के पावर में कंसीडर करेंगे ये टू, यूनिट डिजिट क्या रहेगा वन, और यहां टू के पावर में ये टू के पावर में टू है यानी कि टू के पावर टू क्या हो जाएगा तो फोर, और यहां पे थ्री है तो थ्री के यहां हमें कंसीडर करना है थ्री का, थ्री के पावर टू, थ्री के पावर टू का मतलब नाइन, नाइन का मतलब यहां पे एज इट इज थ्री का स्क्वायर नाइन, तो एज इट इज यहां पे एज इट इज आपको हम क्या करेंगे इन सबको ऐड करेंगे नाइन और फोर थर्टीन, थर्टीन प्लस वन फोर्टीन, फोर्टीन का मतलब यहां पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा फोर, तो ऑप्शन यहां पे ए जो है ऑप्शन ए ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, यदि किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।